वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब, ज़रूर बताइएगा। और मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो उसको अवॉइड करिएगा, मेरी वॉइस को। और जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू। जी हाँ, मैंने पर्पल हॉल शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने वाओ स्किन साइन का एलोवेरा पील ऑफ मास्क परचेज़ किया है। और ये मेरी फर्स्ट परचेज़ है इस प्रोडक्ट की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना रिव्यू जो है आपके साथ शेयर करूं। तो आज मैं उसको यूज़ करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑन कैमरा मैं आपको दिखाऊं कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंटरेस्टिंग और मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की ओर। सो गाइस, ये है वो प्रोडक्ट जिसको मैं आज आपके लिए रिव्यू करने वाली हूँ, वाओ स्किन का एलोवेरा पील ऑफ मास्क। और ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स में है। और ये इसका इनर वो ट्यूब फॉर्म में है, और इवन इसके साथ एक एप्लीकेटर भी दिया हुआ है इस तरह का। अगर आपको लगाने में फिंगर से कोई प्रॉब्लम है तो आप एप्लीकेटर की हेल्प से ईजली अप्लाई कर सकते हो। तो जब तक मैं इस मास्क को लगाती हूँ, आप इसका डिटेल रिव्यू देख लो। सो गाइज, ये इस तरह की कार्डबोर्ड फॉर्म में आता है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसकी आउटर। और ये एलोवेरा पील ऑफ मास्क लिखा है इस पर। और ये पैराबिन सल्फेट फ्री है, डर्मोटोलॉजिकल टेस्टेड है। और आपको इसको 100 ml की क्वांटिटी मिल जाएगी आपको। और ये देखिए, इसमें यहाँ सब मेंशन है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। विटामिन ई है, हाइड्रोलिक एसिड है, एलोवेरा है, लीव जूस है एलोवेरा का। और ये इसकी बाकी डिटेल्स दे रखी है कि इसमें कहाँ कहाँ पे क्या आपको है, कि मतलब ये एनिमल टेस्टेड नहीं है। हाउ टू यूज़ दे रखा है कि ट्वाइस अ वीक यूज़ करें फॉर बेस्ट रिज़ल्ट। और आपको इसको अच्छे से अपने स्किन को क्लीन करके और उसके बाद अप्लाई करना है। एक एडिक्वेट अमाउंट में जेल फॉर्म में है, तो ये आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हो। और ये इसकी इनर पैकेजिंग है, ये ट्यूब फॉर्म में आता है। और इसमें भी बाकी वही सब सेम मेंशन है जो आउटर पैकेजिंग में मेंशन था। और इसका प्राइस 349 है, बट ये ऑफ़र प्राइस में इजीली आपको मिल जाएगा विद इन 300। और इसमें ये देखिए सारी डिटेल्स आपको मेंशन है कि ये क्या क्या है, 100% वेगन है, और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो सब। गाइस वेलकम बैक। और मैंने देख सकते हैं आपने कि मैंने अपने फेस पे पूरा अप्लाई कर लिया है। और ये कुछ ट्रांसपेरेंट सी कंसिस्टेंसी है इसकी, थोड़ी सी थिक है बट ईजली अप्लाई हो जा रही है, कोई परेशानी नहीं हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है। और मैंने फिंगर की हेल्प से ही इसको लगाया है, और देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। मैं मिलती हूँ आपको 10 to 15 minutes के बाद। सी यू। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से सूख गया है, और मैं इस कंडीशन में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको इसको रिमूव करने के बाद। और ये बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगा, आपको ऐसे अपनी स्किन से धीरे धीरे रिमूव करना है ईजिली, क्योंकि हर्ट भी हो सकता है आपको, तो आप धीरे धीरे ऐसे करके रिमूव करिए। तो मैं मिलती हूँ आपको रिमूव करने के। हे गाइस, मैं अभी अभी अपना फेस वॉश करके आई हूँ, और आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा इस समय मुझे अपनी स्किन पे फील हो रहा है। और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही एकदम मॉइस्चराइज, क्योंकि एलोवेरा है इसमें, तो इस वजह से बहुत आपकी स्किन ड्राई नहीं हुई है, जो कि नॉर्मल पील ऑफ लगाने के बाद हो जाता है। और मुझे तो, मेरी तरफ से तो थम्स अप है। और अभी मैंने कुछ भी अपने फेस पे इवन मॉइस्चराइज़र तक नहीं लगाया है, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितनी अच्छा ग्लो आ गया है फेस पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसको रिमूव करना इतना इजी था, इतना इजीली रिमूव हो गया, कोई पेन नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। एक बार ऐसे मैंने खींचा, पूरा मास्क इजीली रिमूव हो गया, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुई, कोई भी हसल नहीं हुआ आप कह सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो सबसे अच्छी बात तो ये लगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो ये मास्क हम लोग अप्लाई करते हैं उसको निकालने में बहुत पेन, बहुत ज़्यादा स्किन इरीटेट होती है, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे तो ये मास्क बहुत पसंद आया। और
आप भी अगर ट्राई करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, डायरेक्ट लिंक होगा। और बताइएगा कौन कौन यूज़ कर चुका है या किसको किसको इंटरेस्ट है यूज़ करने का ये मास्क। तो ये था मेरा इस प्रोडक्ट का रिव्यू, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, सी यू।